सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं चूचू साल स्कैम के बारे में, और आज हम जानेंगे कि चूचू साल स्कैम है वो इतना हिट कैसे हुआ और क्या क्या रीजंस थे जो चूचू साल स्कैम है जो हमें जो चीज़ें ऑफर करता है वो दूसरे गेम है वो हमें नहीं दे पाए, और भाई इतना ज़्यादा इसके पॉपुलर होने के पीछे असल में रीज़न क्या है। सो गाइस, कोई भी गेम हिट होता है उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। अगर कोई पॉपुलर कंपनी किसी गेम को बनाती है तो ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है अगर वो गेम अच्छा है। अगर आप मान लीजिए GTA 5 कंपनी अभी हाल में कोई GTA 6 गेम लॉन्च कर देती है, अभी GTA 6 आया नहीं है लेकिन लॉन्च कर देती है अगर वो, तो भाई वो गेम रातों रात हिट हो जाएगा। हर कोई यूट्यूबर उस गेम का गेम प्ले रिकॉर्ड करेगा और डालेगा और व्यूज़ के लिए। सो गाइस, ऐसे कोई पॉपुलर गेम नहीं है और कोई बड़ा क्रिएटर उस गेम को खेलता है और उस पर अच्छे खासे व्यू आते हैं तो वो उस गेम को और खेलता है, और बाकी क्रिएटर तब उसे देखते हैं कि उस वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उस गेम प्ले पर, उस गेम के ऊपर, और ऑडियंस भी उस गेम को इंजॉय कर रही है, तो भाई बाकी क्रिएटर भी उस गेम की गेम प्ले करना स्टार्ट करते हैं, और जिससे वो गेम धीरे धीरे पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ऐसा ही कारण था जिसकी वजह से चूचू साल्स गेम हिट हुआ, और भी कुछ रीजंस थे जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे बड़ा रीज़न है इसमें एक ओपन वर्ल्ड मैप, और भाई ओपन वर्ल्ड मैप के साथ एक अमेजिंग स्टोरी होना। तो भाई चूचू साल्स गेम वाकई में काफ़ी बड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया है वो प्रोवाइड करता है, और इसमें एक हॉरर स्पाइडर ट्रेन का कॉन्सेप्ट है वो मुझे काफ़ी ही ज़्यादा अलग लगा। भाई बहुत सारे गेम होंगे जिनमें आपको एक छोटा सा कमरा और छोटी सी जगह दे दी जाएगी जिनमें आपको एस्केप कर निकलना है, लेकिन भाई ये गेम बिल्कुल अलग था। इस गेम में भाई आपको एक अलग स्टोरी है वो प्रोवाइड की जाती है, और भाई जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ अलग अलग हॉरर एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, कुछ साइड मिशंस भी हैं, और भाई इसके स्ट्रैग हैं वो भी बाकी गेम्स से काफ़ी अलग हैं, और भाई इसके स्ट्रैग का वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उन्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। उनके पीछे की शायद कुछ बैक स्टोरी है वो भी लोग बहुत सब कुछ जोड़कर अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग वीडियोस बनाते हैं। भाई अब इस गेम की कुछ नेगेटिव बातें भी कर ले। तो भाई ऐसे गेम आते हैं उनकी स्टोरी काफ़ी छोटी होती है तो वो ज़्यादा समय तक मार्केट में टिक नहीं पाते। इनका ट्रेंड जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी वापस चला जाता है, और गाइस ये गेम है वो ज़्यादा समय के लिए हिट नहीं रहते। और भाई काफ़ी सारे लोग जिन्होंने इस गेम को खेला है उनमें इस गेम का हॉरर एलिमेंट है वो थोड़ा कम लगा, और भाई इस गेम को इतना ज़्यादा लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि वो कई बार स्ट्रीमर्स हैं, उन्हें डरता हुआ देखने के लिए भी जाते हैं क्योंकि देखते हैं कि उन स्ट्रीमर कैसे डर रहे हैं या वो कैसे रिएक्ट करते हैं उस गेम को खेलते वक्त। तो लोग इन चीज़ों को देखने के लिए भी भाई हॉरर गेम्स को देखना कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो काफ़ी छोटी थी लेकिन अगर ये वीडियो आपको फिर भी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।